हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हम बात करेंगे हेयर प्रॉब्लम्स के बारे में, डैंड्रफ प्रॉब्लम, स्प्लिट एंड्स का प्रॉब्लम या फिर हेयर फॉल, ग्रे हेयर प्रॉब्लम। तो आज की जो मेरी रेमेडी है, दैट इज़ अ सिंगल सोल्यूशन टू ऑल ऑफ योर हेयर प्रॉब्लम्स। इसके लिए आपको एक ऑयल प्रिपेयर करना है। ऑयल प्रिपेयर करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। फर्स्ट वन इज़ मस्टर्ड ऑयल, दैट इज़ सरसों का तेल, जो कि आपको मार्केट से मिल जाएगा और आप किसी अच्छी कंपनी का यूज़ करें। और दूसरा, इसके लिए आपको चाहिए आंवला पाउडर, जो आपको मार्केट में अवेलेबल है, और नहीं तो आप इसको ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। लिंक इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आपको क्या करना है, आपको जितनी भी क्वांटिटी में ये ऑयल प्रिपेयर करना है, आप उतनी क्वांटिटी एक पैन में लें, क्योंकि आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं जब तक आप चाहें। ये कोई ख़राब होने वाला या कुछ ऐसा नहीं है, आप जब तक चाहें इस ऑयल को स्टोर कर सकते हैं। इसलिए आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। आपको क्या करना है, एक पैन में ऑयल ले लेना है, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, और उसमें ऐड करना है आंवला पाउडर। आपको ये जितनी तेल की क्वांटिटी है, उस हिसाब से आप आंवला पाउडर ऐड करें। ज़्यादा क्वांटिटी है तो 3 to 4 टेबल स्पून आप ऐड कर सकते हैं, और कम है तो फिर 1 टेबल स्पून ऐड करें। और उसके बाद आपको इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे, गैस पे चलाना है, और लो टू मीडियम फ्लेम पे आपको इसको 20 to 25 मिनट्स तक रखना है। उसके बाद आफ्टर 20 मिनट्स आपको इसको गैस से उतार लेना है और ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आपको इसको छान के किसी बॉटल में निकाल लेना है, और ये आपका तेल प्रिपेयर हो चुका है। अब आपको जब भी हेयर मसाज लेना है या फिर आपको जब भी अपने बालों में ऑयल लगाना है, आपको इसी ऑयल से मसाज करना है, और एटलीस्ट 3-4 आवर्स के लिए इस ऑयल को अपने बालों में लगा रहने देना है। नहीं तो अगर आप इसको ओवरनाइट लगा के रखेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आपको ये ऑयल यूज़ करना है। उसके बाद आप जैसे भी शैम्पू करते हैं, कंडीशनर यूज़ करते हैं, वैसे ही आप करें, और इस तरह से आपका ये ऑयल आपको यूज़ करना है। गाइस, इस ऑयल के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। स्पेशली आपका हेयर फॉल प्रॉब्लम और डैंड्रफ प्रॉब्लम इससे दूर हो जाएगा। जो आपका स्प्लिट एंड्स का प्रॉब्लम है या आपके जो डल एंड ड्राई हेयर हैं, वो इससे रिकवर हो जाएंगे। आपके हेयर बहुत ज़्यादा स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे। तो अब मेरी आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपने रिजल्ट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।